हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो वी वर स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो आज हम एक नया फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दैट फंक्शन इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन उतार रहा हूँ मैं उसका नाम, सिग्नम फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज गिवन बाय इसे आप ध्यान से देखना। एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन तीन हिस्सों में उतरता है। पहला है 4x greater than 0, x की वैल्यू जो 0 से हायर हो उनके लिए एफ एक्स इक्वल होता है 1 के। एंड फॉर एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एंड फॉर एक्स लेस देन 0, x से छोटी वैल्यूज के लिए एफ एक्स इक्वल होगा -1 के। तो ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो इस फंक्शन की अजम्पशन क्या है? एक्स अगर 0 से हायर है तो फंक्शन इक्वल होगा 1 के। एक्स अगर 0 के इक्वल है तो फंक्शन यानी कि एफ एक्स इक्वल होगा 0 के। और अगर एक्स अगर 0 से छोटा है देन फंक्शन विल बी इक्वल टू -1। तो ये इस फंक्शन की अजम्पशन है। अब इसके बाद हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि, तो वो अगले पेज पर होगा। उसके लिए ये मुझे रेस करना पड़ेगा काम, तो आप इसे उतार लीजिए। अब मैं इसे रेस कर रहा हूँ। So now we are studying the graph of signum function. Signum function का graph. So it's very easy. कोई परेशानी वाली नहीं है बात। तो सिग्नम फंक्शन में क्या था, एक मिनट, उससे पहले हम एक्सिस पे नंबर्स उतार लेते हैं, उससे आसानी रहेगी बहुत हमारे लिए। ये बस उतरने वाला है, देखो। अच्छा, तो सिग्नम फंक्शन में ये था, For all the values of x less than 0, एक मिनट। So, for all the values of x greater than 0, fx is equal to 1. x की वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, बट उस वैल्यू पे जो fx होगा, fx कह लो या y कह लो, y इक्वल होगा 1 पे। अगर x है 1 तो y की वैल्यू 1 रहेगी, अगर x है 2 तब भी y की वैल्यू 1 ही रहेगी, और अगर x है 3 तो तब भी y की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो आ गई लाइन हमारे पास। ऐसे ही था, अगर x की वैल्यू 0 है तो उस वैल्यू पे fx 0 होगा। तो मैंने x इक्वल 0 पे एक डॉट डाल दिया। ऐसे ही था, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो fx इक्वल होगा -1 के। fx या y एक ही बात होती है, मतलब अगर x 0 से छोटा है, -1 है, -2 है या -3 है, तो उसके लिए x की वैल्यू -1 रहेगी।
तो उस हिसाब से x चाहे माइनस वन हो तब भी y की वैल्यू माइनस वन रहेगी, x चाहे माइनस टू हो तो भी वैल्यू माइनस वन, x चाहे माइनस तीन हो तब भी y की वैल्यू माइनस वन रहेगी। इन तीन वैल्यूज़ को आप जोड़ दो तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं ये फालतू चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन टू सिग्नम फंक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट।